इस बीच बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है जहां पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने हमला किया है। डोनेस्क की सिटी काउंसिल की इमारत के बाहर यूक्रेन के सैनिकों ने फायरिंग की है। और डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने हमला करते हुए सिटी काउंसिल की इमारत को घेर लिया, जिसके बाहर जमकर फायरिंग। आपको बता दें कि लगातार जो है हमले और बार पलटवार हो रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर डोनेस्क सिटी काउंसिल के बाहर की है, जहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने पोजीशन ली हुई है और जमकर वहां पर फायरिंग हुई है। इसके साथ जो आप दूसरी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं वो डोनेस्क से जुड़ी हुई है, जहां रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने आ गए हैं और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की स्थिति इस वक्त है, जो दो तस्वीरें आपके सामने है। और यूक्रेन की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यहां रूस की सेना को ड्रोन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए रूस ने ईरान से उसके सबसे मारक ड्रोन मंगाए हैं। जिस ड्रोन का नाम सुनकर किसी भी देश की आर्मी थर्राने लगती है, अब उसकी पूरी की पूरी खेप रूस पहुंच चुकी है। यही नहीं, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के खूंखार सैनिकों ने रूस में अपनी आमद दर्ज करा दी है, जो रूस के सैनिकों को शायद ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये खबर सामने आने के बाद यूक्रेन भी अलर्ट पर आ गया। यूक्रेन की तरफ से पूरे देश में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान की ड्रोन की एंट्री के साथ ही यूक्रेन पूरी तरह अलर्ट है। यूक्रेन ने पहली गलती से सबक लेते हुए यूक्रेन के साथ साथ कीव में एयर अलर्ट जारी किया है, जिससे अगर आसमान में उड़ता कोई परिंदा भी नजर आए तो यूक्रेन की आर्मी से वो बच ना पाए, क्योंकि कीव पर जब रूस की तरफ से हमला हुआ था उस वक्त शायद ड्रोन से ही रूस ने तबाही मचाई थी, जिसमें कीव के साथ साथ यूक्रेन के कई शहरों में जमकर मिसाइल ताकी गई थी। एक तरफ ईरान की एंट्री की खबरें सामने आई तो वही ईरान की तरफ से साफ किया गया है कि यूक्रेन में पिछले दिनों जो हमला हुआ, जो तबाही मचाई गई, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। उसके ड्रोन से किसी भी तरह का हमला यूक्रेन में नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के ड्रोन की ट्रेनिंग अगर एक बार रूस के सैनिकों को मिल गई तो इस युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी और तबाही का वो मंजर देखने को मिलेगा, जिसे सदियों तक भुलाना आसान नहीं होगा।